And the moderator is Raza Rumi. He will join us shortly. In the meantime, Fehmida Riaz will. No? Or it will. Okay, okay. So we'll just start the conversation. Everyone, please turn your mobile phones off. And question and answer will be the last 10 minutes of the session. Thank you. Tino Hazrat. नहीं, ये मुझे नहीं आता. ये मरहला उन लोगों के लिए ठीक होता है कि कॉम्पेयर कोई हो जो हम जैसे पुराने कॉम्पेयर्स ना हों. इफ्तिखार मुझसे बहुत सीनियर है कॉम्पेयरिंग में और मैं उससे जूनियर हूँ. और मुमकिन है शायरी में भी ऐसे ही हो. आगे रजा, आगे. अब रजा को क्या तंबी की जाए. आ जाओ, अब तुम्हारी खिंचाई कितनी कर लें हम. ये बाल 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 बच्चे हो. नहीं नहीं, थोड़ी सी हो चुकी थी बस, बाकी अब बोल लो. सांस ले लो. सांस नहीं, सांस भी ले चुका हूँ, ऐसी बात नहीं. सबसे पहले ताखीर से आने की माजरत. और ये मेरे लिए काफ़ी एजाज़ की बात है कि ये मेरे ख्याल से कोई तीसरी बार ये मुझे मौका मिल रहा है कि जनाब इफ्तिखार आरिफ और किश्वर नाहिद साहिबा के साथ एक सेशन का एहतमाम KLF में. अब एक ये पक्का, जिसे कहते हैं सिक्का बंद किस्म का प्रोग्राम बन चुका है. तो इससे कबल कि हम इस सेशन का आगाज़ करें, एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना चाहूँगा इफ्तिखार आरिफ साहब का. और अगरचे के दोनों ही शख्सियात यहाँ पर जो मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं उनकी शायरी से तो सभी वाकिफ़ हैं. और उनका कलाम और उनका जो सुखन है वो दुनिया भर में मकबूल भी है. और इसके साथ साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ ने जितनी उर्दू ज़बान के लिए और अदब के लिए जो खिदमात की हैं, चाहे वो उर्दू मरकज़ लंदन में हो जहाँ पर उन्होंने कई साल उसको बहुत ही बखूबी अंदाज में चलाया, और वहाँ से जो छपने वाली चीज़ें थीं और जो बेशुमार अदीब और शायर जो थे उनको सपोर्ट भी किया गया उस मरकज़ के तहत, वो भी एक उसकी एक अलग तारीख लिखी जा सकती है. पाकिस्तान लौटने के बाद वो उन्होंने PTV में भी काम किया, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे, और साथ ही साथ दो बहुत ही अहम इदारे हैं, मुक्तदरा कौमी ज़ुबान और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, उन दोनों को इफ्तिखार साहब ने मुख्तलिफ अदवार में हेड किया. और महज एक फ़िगर हेड की तरह नहीं, बल्कि उनके अंदर एक नई जान बख्शी, उनको एक नई रूप फूंकी. और उनके मानने वाले, उनके बहुत से शागिर्द जो हैं वो पाकिस्तान भर में, बल्कि यूँ कहिए कि दुनिया में फैले हुए हैं. और इफ्तिखार साहब की शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी कोई इतनी वो यूँ कहिए कि ताब ही नहीं है मुझ में कि उसका मैं सही तरह से अहाता करूँ. लेकिन इनके जो मुख्तलिफ़ कलेक्शंस हैं वो कई बार छपी, और उनके इतने ज़्यादा एडिशन हर जगह आप देखेंगे. इनकी बहुत सी नज़में ऐसी हैं, 12वां खिलाड़ी और दूसरे कई ऐसे जो कि अब रोज़मर्रा के मुहावरे की तरह उनकी जो मिसरे हैं वो इस्तेमाल होते हैं. और आरिफ साहब की एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि बहुत से लोगों ने उनके कलाम को असातिज़ा की जो एक कंटिन्यूएशन है हमारे उर्दू अदब में, उससे जो है जी मुंसलिक किया है. आतिश और यगाना से भी इनका मवाजना किया गया है, और बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जिनके कई नकाद जो हैं, और इनकी जो इनका जो काम है उन पर कई PhD के मकाले भी तहरीर किए गए हैं. तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो मैं गिनवाऊंगा तो शायद ये सेशन इसी में ख़त्म हो जाएगा. और अब मैं थोड़ा सा मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा की तरफ, अगरचे कि आप सब मेरे ख़्याल से अक्सर वाकिफ़ है, लेकिन कुछ बातें कहना लाजिम है यहाँ पर. किश्वर नाहिद एक शायरा तो हैं ही, वो तो हम सब जानते हैं, और उनका जो लहजा, उनका जो अंदाज़ और जो बगावत का एक अलम उन्होंने मुस्तकिल बुलंद किया हुआ है. पहले तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए, अपने ज़ाती हकूक़ के लिए, अपने जेंडर के हवाले से, लेकिन साथ साथ उनका इनकी भी कलाम और इनकी पूरी जो आउटपुट है अदबी, उसका एक इर्तका हुआ है. और वो इर्तका इस अंदाज़ में हुआ है कि ये कॉलम नवीस भी बन गई,
और अब इनका जो कॉलम छपता है वो एक ऐसे अखबार में छपता है जो कि बदकिस्मती से दाएं बाजू को ज़्यादा वहाँ पे कवरेज मिलती है, लेकिन एक वो ऐसा कॉलम होता है कि वो तमाम तर बाकी हफ्ते के कॉलमों पर भारी होता है, क्योंकि उसमें जिस अंदाज से और जिस बेलाग अंदाज में सियासी और समाजी और सकाफती मसाइल के ऊपर तबसरा होता है, वो भी अपनी तर्ज का एक कॉलम है, वो भी हम उसको अदबी फन पारे में ही शुमार करें तो बेहतर होगा, वो कॉलम नहीं होता। किश्व नाहिद साहिबा ने भी बहुत सारे जो हैं अहम अदबी जारीदे मसल माह नौ उनकी उनकी वो मुदीरा भी रही हैं, उनको और बहुत सारी इसी तरह की दूसरी जो है सकाफती इंस्टीट्यूशंस PNCA वगैरह और दीगर उनकी हेड भी रही हैं, तो इनका भी बहुत ही मतनवो किस्म का एक पूरा बैकग्राउंड है, शायरा भी राइटर भी जर्नलिस्ट भी और सबसे बढ़कर ये एक्टिविस्ट का जो इनका रोल है, इसलिए इनको मंडेला अवार्ड भी मिला और इनकी हर जगह आप लाहौर में या दारुल खिलाफा में जहाँ भी कोई तहरीक होती है कोई प्रोटेस्ट होती है आप इनको सबसे आगे पाएंगे, नारे भी लगाएंगी, तीन चार नज़में भी पढ़ देंगी, कुछ एक दो गालियाँ भी मुजस्सों को दे देंगी कि कहाँ थे तुम वगैरह वगैरह। सो इसलिए ये इनकी जो है हमागीर शख्सियत जो है वो सबके सामने, मैं चाहता था कि इस सेशन से पहले थोड़ी सी उस पर भी गुफ्तगु हो, और मज़े की बात ये कि दोनों ही हाईएस्ट स्टेट अवार्ड्स जो हैं वो भी इनको मिल गए, अगरचे कि हमारी जो स्टेट है वो इतनी शायरों और अदीबों की को नवाजने के लिए ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इनका जो टैलेंट है और इनकी जो खिदमात हैं वो चूँकि नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, इसलिए किश्व नाहिद साहबा को भी जो है मिला सितारा इम्तियाज़, और इफ्तिखार आरिफ साहब को तो बहुत सारे और इस तरह के अवार्ड्स बिशमूल सितारा इम्तियाज़ नवाजे गए हैं, और मेरे ख़्याल से इसके साथ ही मैं इस तारुफ का तो इख्तिताम करूँगा। हम जो है इस महफिल का आगाज़ इफ्तिखार आरिफ साहब से करते हैं और फिर हम मोहतरमा की तरफ आएंगे और फिर इस तरह हम सिलसिलावार जी मिलके करेंगे। ज़रा गर्म जोशी से इस्तकबाल कीजिए ना। ये क्योंकि रेडियो टीवी में बहुत देर काम करने का नतीजा ये है कि कोई काम करना नहीं आता, और इसी सिलसिले से रज़ा ने बहुत मोहब्बत से और मैं उनका एहसानमंद हूँ इसलिए कि आजकल नौजवान भी ज़िक्र में बखल से काम लेते हैं और बुज़ुर्ग तो बहरहाल करते हैं मगर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से तारुफ कराया। ताखीर, नौजवान अगर महफिल में ताखीर से आए तो हमारी उम्र के लोग उनसे ताखीर का सबब नहीं पूछते और पूछना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमें तो मालूम ही होता है कि वो किस लिए ताखीर से आए होंगे, और अगर ताखीर से ना आते तो हमें शिकायत होती कि अगर अब भी आप ताखीर से ना आए तो फिर कब आएंगे, तो पूरा वक्त पड़ा हुआ है। और मैं इसमें कराची फेस्टिवल जो है किताबों का, ये वाकई यानी ये रस्मी बात नहीं है, और जिस हमारे यहाँ इस वक्त उर्दू के इतने बड़े लोग इस मेले में आए हुए हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएं जहाँ इंतज़ार हुसैन बैठे हुए हों, जहाँ किश्व नाहिद बैठी हुई हों, जहाँ फहमीद रियाज बैठी हुई हों, जहाँ आरिफा सैयदा बैठी हुई हों, जहाँ आतिया दाऊद बैठी हुई हों, और वो लोग भी एकेडमिया के यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिनके ऊपर अदब हराम किया गया था इसलिए कि आजकल ख़ास तौर पर जो मुझे जामियात से वाबस्ता हुए कुछ थोड़े दिन हुए और मुझे यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, तो अब मुझे समझ में आया कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्यों कहा था कि मेरे शेर को मदरसे में कौन ले गया, इसलिए कि अदब का जो हाल जामियात में है
उसका अंदाज़ा कुछ थोड़ा थोड़ा अब होता है। सरत मुहीउद्दीन साहब है यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और हैरत भी होती है कि हर जगह ये कहा जा रहा होता है कि अदब से लोग दिलचस्पी नहीं लेते, और कराची जैसे शहर में जो अपनी और जहतों की वजह से बहुत मशहूर है। और मुझे किसी ने कहा आज दो सवेरे नाश्ते पर कि जिस जगह वो घर में मुकीम थे वहाँ रात को गोलियों के चलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा आपको आवाज़ फ़र्क करना आती है, इसलिए मुझे तो आती नहीं है कि किस तरह की गोलियाँ हैं कौन सी मशीन गनों से, मगर मैंने सुना है कि यहाँ जो नौजवान हैं और घर की बड़ी बूढ़ियाँ भी फ़र्क कर लेती हैं कि ये किस तरह की गोलियाँ हैं और कहाँ से चलाई गई होंगी, और जिनको लगती हैं वो फ़ौरन बता देते हैं कि ये गोलियाँ किधर से आई होंगी और किस किस तरफ से चलाई गई होंगी। मैं बेहद एहसानमंद हूँ। असल में शायरी के बारे में मुझे ये नहीं मालूम, डायलॉग शायरी पे करना हो तो किशोर नाहिद बैठी हैं ये भी गुफ्तगू करेंगी, मारपीट पे करना हो वो भी किशोर बहुत अच्छी करेंगी। अच्छा हमने कुछ किया नहीं, असल में आप यकीन कीजिएगा जो सबसे ज़्यादा मैं बिल्कुल इसमें ज़रा बराबर कसर नफसी नहीं है, इंतज़ार भाई बैठे हुए, मैं 100,000 दफ़ा इनसे कह चुका हूँ कि जब मैं बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ तब शेर कहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश इस बात की होती है कि अगर ये शेर मौखर हो जाए और अगर मैं इस शेर को न कहूँ, इसलिए कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है शेर कहना, बहुत मुश्किल काम है, और जितनी आसानी से लोग शेर कह लेते हैं तो उन पर रश्क आता है। और मगर हमारे माशरे में और हमारी ज़बान में ऐसे लोग हैं जो इतनी कुव्वत से शेर लिख रहे हैं कि आपको उनका मिसरा पढ़कर अंदाज़ा होगा कि वो मिसरा कितनी कुव्वत से लिखा गया है। और मैं आपसे बिल्कुल, और तो मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, यानी बचपन से लेके जवानी तक एक काम किया था उसमें नाकाम हुआ, शायरी में आया और शायरी भी मैंने देखा मेरे बस का काम है नहीं, लेकिन मैंने तालिब इल्मों की तरह शायरी पढ़ी ज़रूर है, और मैं बग़ैर किसी लाग लपेट के और बग़ैर किसी जाली किस्म की आजिज़ी दिखाए बग़ैर ये कह सकता हूँ कि जितनी शायरी गुज़श्ता 50 बरसों में छप रही है और तर्जुमे के ज़रिए हम तक पहुँच रही है, इसमें ये छोटी सी जो ज़बान है जो अपनी हरकतों की वजह से मरदूद भी रही है मगर मज़लूम भी बहुत रही है, उर्दू में जैसा 50 बरसों में फ़िक्शन लिखा गया है, जैसे नावल लिखा गया है, हमारी हम तो यानी हमें उस पर बिल्कुल ज़रा बराबर हम फ़र्क नहीं करते, ख़वातीन भी की हैसियत से भी और बहैसियत एक तख्लीक़कार के जैसी जेंडर फोकस्ड शायरी की गई है, जिस तरह से इनकार की शायरी की गई है किसी और ज़बान की शायरी में, ज़ाहिर है कि रोज़ रोज़ नरूदा नहीं पैदा होते और लोरका नहीं पैदा होते और मायाकाफ्सकी नहीं पैदा होता, मगर जो मजमूई तौर पर उर्दू में लिखा गया है और फिक्शन में भी और शायरी में भी, वो ऐसा है कि उस पर फ़ख्र किया जा सकता है। और अब ये किशोर देखिए, जहाँ किशोर बैठी हों वहाँ हिदायत, पहले तो ये होता था कि हिदायत नामे खाविंद एक होता था, तो यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इसकी नज़ाकत को समझ नहीं सकते, लेकिन मगर हमारी मजबूरी यह है कि हमारी दोस्त और हमारी सीनियर और हमारी बहुत ही करम फरमा, और समझिए कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमको नाश्ते पे अगर खा रहे हों कुछ मीठा वो नहीं खाने देती हैं, कोई किसी वक्त ज़्यादा देर फ़र्ज़ कीजिए किसी महफिल में ज़्यादा देर नज़र आएँ तो उस वक्त भी हुक्म होता है कि आपको घर जाके आराम करना चाहिए, कोई ऐसा कपड़ा जो हमारी उम्र में नहीं पहनना चाहिए अगर पहन लें उस पे एतराज़ होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और ये लिबास जो है ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, किसी ऐसी महफिल में नज़र आ जाएँ जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ किशोर, हम समझते हैं कि अगर इस दुनिया में किशोर नाहिद नहीं होती तो हम में से बाज़ जो यतीम और यसीर लोग हैं उनका क्या होता, इसलिए कि जितनी लड़ाइयाँ वो हमसे करती हैं वो हमारे गैब में हमारे दुश्मनों से करती हैं, और जितनी सफाइयाँ वजाहतें हमारे लिए करती हैं
अल्लाह इनको सलामत रखे। अब हमने तो शेर में कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत शेर लिखा, थोड़ा बहुत अदब का काम किया, और ये ज़रूर है कि हमारे पास रिस्क के लिए कोई काम हमको आता नहीं था। जब हम बहुत ही गरीब घराने से हमारा ताल्लुक़ था, हम यूनिवर्सिटी से निकले, फारिग हुए, मीडिया में चले गए और धक्का दिया गया, तो फिर हम रेडियो से टीवी में चले गए, टीवी से आमदन छोड़ के चले गए। मगर कोई शायरी बाद में मालूम हुआ कि जो शायरी है ये हमारी तकदीर में लिखी गई है, और जिन लोगों के मुकद्दर में शायरी लिख दी गई हो या अदब लिख दिया गया हो या लफ्ज़ लिख दिया गया हो, वो कई मंजिलों में बहुत बदनसीब होते हैं और बाज़ मंजिलों में बहुत खुश नसीब होते हैं। अच्छा, उसकी कीमत अदा करनी चाहिए और कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई अगर शख्स ये समझे कि वो लफ्ज़ लिखेगा और वो इम्तिहान और आजमाइश से नहीं गुजरेगा तो ये बात दुरुस्त नहीं है। शख्सी सतह पर भी उसको कीमत चुकानी पड़ेगी और माशरती सतह पर भी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो माशरा आदिलाना हो तब भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो माशरा आदिलाना न हो तब भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आपको इसकी सूरतें देखनी हों तो वो इस्तराब और बेचैनी और बज़ाहिर आपको लाउबाली नज़र आने वाले और बहुत खुश खुश नज़र आने वाले अदीबों से गुमराह मत होइएगा। और ये जो हम में से वो लोग जो बहुत फ़िक्रबाजी करते हैं और बज़ला संजी का मुजाहरा करते हैं, अगर आप इनके करीब जाइएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी क़यामत की तन्हाई और कैसी क़यामत की मंजिलों से गुज़र रहे हैं। वो लिखना चाहते हो आप, मसलन अभी आज सवेरे इंतज़ार साहब की के फिक्शन पे गुफ्तगू हो रही थी, हम जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया तो हम ये कह रहे थे कि जो नॉस्टैल्जिया है और एक नारे के तौर पर उसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये कैसे लोग हैं जो हर वक्त याद करते रहते हैं, चीज़ों को भूलते नहीं हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो अपने एक शहर का तस्करा करते रहते थे, हमसे कहते रहते थे कि भाई तुमको लखनऊ बहुत याद आता है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपको अपना फलां शहर याद आता है, तो मैंने ज़िंदगी के 20 बरस जहाँ गुजारे हैं अच्छे बुरे, वो कैसे याद नहीं आएंगे। और अपने शहर की बहुत तल्ख यादें भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहीं लिखा हुआ था कि जब मैं कराची के बाद, अब मुझे कराची से गुजरे हुए निकले हुए 40 बरस हो गए, लेकिन कोई मुझसे कहता है कि आपका शहर कौन सा है तो कोई और शहर याद नहीं आता। और समंदर के किनारे एक बस्ती रो रही थी, मैं इतनी दूर था और मुझको वहशत हो रही थी। तो अब भी जो जब समंदर के किनारे कोई बस्ती बयान करती है तो उसकी आवाज़ें इस्लामाबाद तक ज़रूर पहुंचती हैं। और मैं चाहूं या ना चाहूं, ये मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर शायर हकीकी तौर पर लफ्ज़ से वाबस्ता है तो ये हो नहीं सकता कि वो अपने मौसम से, अपने सियासी मौसम से और अपने माशरती मौसम से और अपने तहजीबी मौसम से मुतासिर न हो। ये जो इन्हीं से मैं मुस्तार लेता हूँ, ये जो इंतज़ार साहब ने एक जगह कहीं आज से 40 बरस पहले कहा था कि मेरा बुनियादी कमिटमेंट अपने नीम के दरख्त से है। अब वो नीम का दरख्त क्या है? कोई ऐसा सायादार दरख्त जो गालिबन एक बरसग़ीर की मुकम्मल तहजीब की अलामत है, अगर आप उससे वाबस्ता नहीं हैं, कैसे मुमकिन है कि जहाँ मैंने आँख खोली हो और उस शहर की यादें मेरा पीछा नहीं करेंगी? और ये कैसे मुमकिन है कि मैं जब ख्वाब देखूँगा लंदन में भी या वाशिंगटन में भी या मॉस्को में भी, तो मुझको बहुत गंदा पानी है गोमती का, इस कदर गंदा पानी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब आप इंतज़ार हुसैन के अपने, जब आप कुरतुल ऐन हैदर के नावल पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का जो सबसे साफ और शफाफ दरिया है वो गोमती है, और जो उसके किनारे लगे हुए दरख्त हैं और उसके अतराफ लगे हुए बाग हैं, उसमें जो परिंदे चहचहाते हैं वो कुछ और वजह के हैं, कुछ और तरह के हैं। पहले इसका इतना एहसास नहीं होता था। अब जो मैं वापस आया पाकिस्तान
तो मैं अपने परिंदों की आवाज़ों से फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सी आवाज़ कौन से परिंदे की है। ये मेरी मजबूरी है। रिस्क की तलाश में जो लोग बाहर चले गए हैं उनको बहुत आसूदगी मैसर आई, लेकिन उस आसूदगी के बावजूद उनके पीछे लगी रहती है कोई बला जो बार बार उनको आवाज़ देकर पुकारती रहती है। और ये जो और हर वो शख्स जिसने अपनी ज़मीन छोड़ी है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये बात जहन में रखी जानी चाहिए। वैश खाक में शौकत पिंदारोना मिलती है, अपनी मिट्टी से बिछड़ने की सज़ा मिलती है और ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको बज़ाहिर इसका एहसास भी नहीं होगा कि ये सज़ा है, मगर वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहूदी दुनिया में बहुत मतून किए जाते हैं, मगर एक बात उनके मजहबी पस मंज़र में है, वर्ल्ड व्यू में है, कि उन वो सारी दुनिया में बिखेर दिए गए थे। और कहा यह जाता है कि जो लोग अपने पैगंबरों को कत्ल करते हैं और अपनी ज़मीनों को छोड़ते हैं फिर उनको बखेर दिया जाता है, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं और उनको उनकी ज़मीनों से दरबदर कर दिया जाता है। ये सज़ा है उन लोगों की जो अपनी ज़मीनों को छोड़ते हैं, जो अपने बड़ों को कत्ल करते हैं और अपने महज़ब लोगों को और साहिबान खैर को और अपने फ़नकारों से बेतनाई बरतते हैं, फिर उनकी सज़ा ये है कि वो बिखेर दिए जाते हैं। मैंने बाहर जाकर कुछ थोड़ा बहुत लिखा, जब मैंने लिखना शुरू किया सही माना में तो जैसे सब लिखते हैं 18 बरस की उम्र में, 19 बरस की उम्र में मोहब्बत आदमी करता है, किसी को याद करता है, किसी को देख के खुश होता है, किस हौसला होता है, कोई हर्ज नहीं है आदमी उस तरह के शेर लिखे, मगर बहुत जल्दी जब हम उस मंजिल से गुजरे तो जो भी हो रहा था और कुछ हमसे बन नहीं, हम कुछ करना चाहते थे वो हम कर नहीं सके। ये जो अलमिया है, बाज़ औक़ात बाज़ लोग वो करते नहीं हैं मगर उनको ये ख्याल रहता है कि जैसे वो इस काम से फारिग हो गए हैं, यानी उनका ये दावा होता है कि उन्होंने किया है और उन्होंने ये किया है, अपने ख्वाब को ख़बर बना लेते हैं कि जैसे उन्होंने ये किया, हमसे नहीं हो सका वो काम जो हम करना चाहते थे, वैसी बगावत हमसे नहीं हो सकी जैसी बाज़ लोगों ने की, वैसा इनकार हमसे नहीं हो सका जैसा बाज़ लोगों ने किया, हम इतना ही कर सकते थे जितना हमने किया और उस पर हम शर्मिंदा नहीं हैं। जो कुछ हमने किया वो हमने कह दिया, हमने वो नहीं लिखा जो हमने किया नहीं, इस पर हमें फ़ख्र है। और हमारी जो छोटी सी एक शेरी समझिए असासा है जिसको कह लीजिए, अब वो बिसात समेटने का वक्त आ जाता है। आदमी तमाम उम्र बहुत साहिब मुकद्दर लोग होते हैं जो बहुत दिनों तक शेर अच्छे लिख सकते हैं, फिक्शन अच्छा लिख सकते हैं, मगर कौन सितारे छू सकता है, राह में सांस उखड़ जाती है। वो खुशनसीब लोग होते हैं जो आखिर वक्त तक लिखते रहते हैं। और हर आदमी के अंदर तख्लीक का एक जौहर है, थोड़ा सा मक्खन है, आप चाहें तो उसको 4 स्लाइसेस पे लगा लें और चाहें तो आप 20 स्लाइसेस पे लगा लेंगे, स्लाइसेस बढ़ते जाएंगे मगर मक्खन की मकदार कम होती जाएगी। और ये ज़रूर है उसका आपको अंदाज़ा, यानी अब मैं किसी नौजवान अदीब शायर का की मिसाल दूँगा तो वो मारे पीटेगा। तो यानी मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि नक्शे फरियादी और दस्ते सबा के फैज़ साहब जो हैं वो मेरे दिल के मेरे मुसाफिर वाले फैज़ साहब, उस वो शायर नहीं हैं जो नक्शे फरियादी, ये बड़े खुशनसीब होते हैं, ये मसलन शायराना मनसब जो भी हो उनका, मगर गुमान का मुमकिन वाला शायर जो है वो मावरा से बेहतर शायर है। गुमान का मुमकिन वाला जो शायर है वो लामसावी इंसान वाला जो शायर है वो ईरान में अजनबी से बेहतर शायर है। राशिद शायद उर्दू के उन खुशनसीब तरीन शुरा में हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी पूरी कुव्वत का और पूरी ताकत का तख्लीकी मुजाहरा किया। मैं उन खुशनसीबों की कतार में नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि इंतज़ार साहब ये कहेंगे और शीन फरुख मुझसे ये कहेंगी कि तुम्हारी इस साल कोई किताब नहीं आई। मैं उनको खुश करने के शौक़ में शायरी के अंबार में इजाफा नहीं करना चाहता। मैंने नहीं लिखा, मुझको तकलीफ़ होती है जब कोई आदमी नई गज़ल लिखता है, मैं खुश होता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, मगर मैं कहता हूँ मुझसे नहीं लिखी जाती। अल्लाह सुभान व तआला ने मुझको बहुत
बहुत से मुराद इतनी कुदरत दी है कि आप मुझको कोई मिसरा दें तो मैं उस पर 100 मिसरे उसी वक्त लगा सकता हूँ, मगर वो तुकबंदी शायरी नहीं होती। शायरी वो होती है जो कहीं और से आती है और किसी और तरह से ज़ुहूर करती है। मगर फहमीदा को मैं देखता हूँ मुसलसल लिखती रहती हैं और ताज़ा लिखती रहती हैं और मुख्तलिफ लिखती रहती हैं और कुव्वत से लिखती रहती हैं। ये जो सरचश्मे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता कौन से वक्त, और ये जो तकलीफ़ें आती हैं, ये मैं बावजूद ये बात कह रहा हूँ, ये जो तकलीफ़ें आती हैं जिनको हम इम्तिहान और आजमाइश समझते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं समझते क्या हैं, वो आजमाइश होती है, मगर बाज़ औक़ात उस आजमाइश से ऐसे तख्लीक़ के रास्ते फूटते हैं कि जो आपकी समझ में नहीं आते, वो एक तरह से आपकी शरबतमंदी में इजाफ़ा करते हैं और नई जहतें पैदा करते हैं। मैं आपको एक आध गज़ल, मैंने जो आखिरी गज़ल लिखी थी और एक मैंने ऐसे ही फजूल सा काम किया था, वो मैंने दो चार शेर लिखे थे, मैं आप कोई आखिरी नज़म जो मैंने लिखी थी वो मैंने किश्वर के हवाले से लिखी थी। किश्वर एक दिन गिर पड़ी अपने घर में। किश्वर से हमारा जो हमारी हमसाई हैं, मगर 6-8 महीनों में एक आध दफ़ा मुलाकात इनसे होती है, गालियां तीसरे चौथे दिन मैसर आ जाती हैं, और कभी कभी इनको ये बात मालूम है कि मुझको क्या क्या चीज़ें, हिंदुस्तान के रहने वाले चटोरे होते हैं बहुत, ये तो सब आपको मालूम है, तो जब इस तरह की कोई चीज़ पकाई जाती है तो वो शनिचर को और इतवार के दिन इनके घर से एक तबाक आ जाता है, और वो हमारे 2-3 दिन के लिए काफ़ी होता है, तो ये उसका बंदोबस्त करती रहती हैं। तो ये गिरी हैं और हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ, और क्योंकि ये जाती भी सफ़र भी बहुत करती रहती हैं, एक दिन इनका टेलीफोन आया कि तुम 6-6 महीने तुम्हारी खबर नहीं होती, तुम्हारा क्या तुम पूछते नहीं हो। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें कहीं कुछ नहीं, और कह के इन्होंने टेलीफोन बंद किया। सवेरे जब मैंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि किशोर नाहिद अस्पताल से वापस आ गई। तो अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि अगर इतनी बीमार थी और अस्पताल से वापस आई थी तो कम से कम इसको मुझे बताना तो चाहिए था। तो मैंने कहा कि मैं सवेरे उठकर मैं दफ्तर जाने लगा, तो मैंने अपना रास्ता दफ्तर के बजाय किश्वर की तरफ किया। जब मैं इनके दफ्तर की तरफ जाने लगा तो मैंने रास्ते से कोई 2-1 ठिकाने जहाँ फूल मिलते हैं वहाँ गया, तो मालूम हुआ कि वहाँ तो फूल हैं ही नहीं, वो अभी फूल वाला तो देर से आता है। खैर वो एक जगह ठेले वाला जो था उस पर फूल रखे हुए थे, मैंने उससे फूल लिए। जब मैं इनकी जगह पे पहुँचा तो मालूम यहाँ के किश्वर जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ले गई, यानी इस सेहतमंद होकर और रवाना हो गई। चुनाचे मैं फूल इनके यहाँ रख कर और दुआ दे के चला गया। जब मैं गाड़ी में बैठा, मैं बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए ये एक आध बात कि अचानक बहुत दिनों के बाद कोई एक मिसरा सरजद हुआ और मैंने घर जा के वो नज़्म मुकम्मल की, और वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसका उन्वान है कूच। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीं सुखनों के हरफ़ दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीं सुखनों के हरफ़ दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। पलकों पे नमी का ज़िक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। पलकों पे नमी का ज़िक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत दिल पर कोई दाग तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत दिल पर कोई दाग तक न होगा। माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना। जुज तेरे नहीं कोई निगहदार उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया उस आँख को बेवजू ही रखना। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। हमारे पहले
हमारी किताब पे जो सबसे पहले अंग्रेज़ी के एक नक्काद, एक प्रोफेसर और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट तालिबे इल्म के तौर पर अपना पीएचडी का काम करने गए हुए थे वहाँ तशरीफ़ फरमाए, डॉक्टर मोहम्मद वसीम, और इन्होंने हैं हाँ सबसे। और मैंने जो आखिरी गज़ल लिखी थी उसके दो तीन शेर, दो दो शेर मैं सुनाऊंगा। तेरी ये शेर इसके जो कहना नहीं चाहिए, सबसे बदतरीन शायरी वो होती है जिसकी वजाहत तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं है, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं है, मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये तेरे नज़र आते हैं, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। एक पुरानी गज़ल, इससे पहले की ये गज़ल है, इस उसी के इनकी सुनी हुई है कुछ लोगों की। मेरे महबूद, ये मुझे किसी ने कहा कि पढ़ दें, जो मुशायरों में जो गज़लें बार बार पढ़ी जाती हैं वो पढ़ दी जाती हैं। जा भाई, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूद बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा, चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा, चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा, ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा कब तमाशा ख़त्म होगा, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा कब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा, क्या के शहर गुल के, जब मैं शहर गुल लिखूँ तो इससे मुराद आप ही लोग हैं, इससे मुराद इस्लामाबाद नहीं है ये एहतियातन बता रहा हूँ। शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है, शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है, कभी अफलाक से नासर इकबाल साहब तशरीफ़ नहीं, कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है, कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान,
उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। बहुत अच्छा। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से मुकद्दर हो गया है बेदरो दीवार रहना, कहीं तय पा चुका है शहर का मिसमार रहना। मुकद्दर हो गया है बेदरो दीवार रहना, कहीं तय पा चुका है शहर का मिसमार रहना। और ये कि ये बस्तियां हैं कि मक्तल दुआ किए जाएं, दुआ के दिन हैं मुसलसल दुआ किए जाएं। बड़ी मेहरबानी, बहुत कर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे पास तो वो है जो आप रोज़ाना देखते हैं। शुरू करती हूँ स्वाद का नौहा। मुझे लाइनों वाले कागज़ पे लिखने से खौफ आता है, मुझे लाइनों वाले कागज़ पे लिखने से खौफ आता है, मुझे लगता है मेरे लफ्ज़ महसूर हो गए हैं। मुझे बुरके में लिपटी औरत से खौफ आता है, मुझे लगता है मकुटों से औरत का वजूद नाबूद हो गया है। मुझे दाढ़ी में छुपे मर्दाना चेहरे से खौफ आता है, मुझे लगता है खुदरो घास कब्रिस्तान छोड़कर चेहरों पे ठहर गई है। मुझे सफ़ेद टोपी पहने मर्दाना सरों से खौफ आता है, मुझे लगता है कफन कूजों में बटता ज़िंदगी के गुलाबीपन का मुझका उड़ा रहा है। मुझे मासूम बच्चों के सरों को मदरसे में देख हिलता देखकर खौफ आता है, मुझे लगता है गर्दनों को तन से जुदा करने का तरीक़ा पढ़कर बच्चे झूम रहे हैं। मुझे शलवारों में खुजाते हुए मर्दों से खौफ आता है, 11 साल बनकूहा रखने के बावजूद उनकी नंगी आँखें कुछ और तलाश कर रही होती हैं। मुझे कोठे पे लटकी टिब्बी की लड़की से खौफ नहीं आता है कि उसके अंदर और बाहर बिल्कुल एक जैसा है। कराची, कोयटा और फलूजा के नाम, मैं उन नज़्मों का क्या करूं जो मैंने बहते खून और जुल्म के ख़िलाफ़ लिखी हैं, कि खून तो मुसलसल बहे जा रहा है और जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। मैं उन नज़्मों का क्या करूं जिनमें सहमे हुए ज़ख्मी बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजती हैं, कि अब हर तरफ कराहें और आहें मेरे कानों को छेद रही हैं। मैं उन नज़्मों का क्या करूं जो मैंने उड़ती चिड़िया और खिलखिलाती लड़कियों पे लिखी थी, कि अब तो लड़कियां माले गनीमत से भी अर्ज़ा ख़रीदी और बेची जा रही हैं। मैं उन नज़्मों का क्या करूं जो मेरे पुरखों ने लिखी, खुदाई को चैलेंज किया और जगाना कहलाए, कि अब ज़िंदा होते तो शातिम रसूल कहलाते। मुझे बताओ मैं उसका उस सच का क्या करूं जो ज़मीन पे बोला नहीं जा सकता, आसमान पे पढ़ा नहीं जा सकता, अखबार में छप नहीं सकता, और लोगों के सामने बोलो तो वो आपको वैशी और नाकबत अंदेश कहते हैं। मैं अपने पल्लू में बंधी हुई उस मीरास का क्या करूं जो मेरे हाथ में रखे खाली दिए की तरह, कि उसमें भड़कती हुई लौ उन लोगों के साथ चली गई जो तेज़ कदम और ज़माना सास थे। मुझे तो ख्वाब में भी कटे हुए सर नज़र आते हैं, शायद ये मेरी नज़मों के कूच का वक्त है। लापता लोग बहुत थे और उन पर यहाँ सेशन भी हुआ, और मैं उसकी हवाले से एक धुंधली सी नज़म पेश करती हूँ। शहर में रोशनी थी और मेरा दिल कांप रहा था, खौफ के मारे नहीं, सर्दी के मारे नहीं, भूख के मारे नहीं, बेज़मीरी के मारे। शहर में रोशनी थी और मेरा दिल कांप रहा था, खौफ के मारे नहीं, सर्दी के मारे नहीं, भूख के मारे नहीं, बेज़मीरी के मारे।
मैं ख़ुद को बहलाने के लिए अजायब घर में दाखिल हुई। पुराने ज़माने के मुजस्मों ने मुझे याद दिलाया कि लड़ाइयाँ बहुत कत्ल गारत के बाद शिकस्त में बदल जाया करती थीं। औरतें और ज़रो जवाहर माल गनीमत समझ कर आपस में तकसीम कर लिया जाता था। ज़रो जवाहर की तकसीम के ख्याल पर मैं एक दफ़ा फिर काँपने लगी। सर्दी के मारे नहीं, खौफ के मारे नहीं, भूख के मारे नहीं, बेज़मीरी के मारे। मुझे पुरानी मुक़दस किताबों का लिखा याद आया कि एक मुर्दा शेर के मुकाबले में एक ज़िंदा कुत्ते की तरह जीना बेहतर है। मुझे लगा मैं सोते में चल रही हूँ और ख्वाब में हकीकत देख रही हूँ। मैंने राख के ढेर को कुरेदते हुए शक्लें बनाने की कोशिश की। कहीं अमामा बन गया, कहीं जूते, कहीं बुझे हुए शोलों ने मर्सिडीज़ की निशानियाँ बना दी, कहीं ईमान के तराजू में रखे गौर मुझे घूरने लगे। मुझे लगा कि वो मेरे अंदर का खौफ तब्दील करने लगे हैं ताकि मेरे अंदर के गुस्से की सारी रगों को मुंजमित कर दे। मेरे अंदर उगने वाले बेइज्जती के दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दे और मेरे होंठों से बेइंसाफ़ी, बेइज्जती और बेगैरती जैसे तमाम हरूफ चाकू की नोक से खुरच डालें। मुझे इन तमाम वसवसों पर खौफ नहीं आया। मुझे तो ताज़ा शगुफों को गैस चेम्बर्स में देखकर कप कपी छूट उठी है। लोगों ने सुलानामा पढ़ लिया है, बोलना चाहते हैं मगर कांप रहे हैं। खारदारों में फंसे लोग, वर्दी नुमा धुंध में ठिठरे हुए लोग, बेज़मीरी के मारे हुए लोग, मेरे अपने सगे, मेरे जिनजान। एंटी क्लॉकवाइज, मेरी आंखें तुम्हारे तलवे भी बन जाएं तो भी तुम्हें ये शौक नहीं छोड़ेगा। मेरी आंखें तुम्हारे तलवे भी बन जाएं तो भी तुम्हें ये खौफ नहीं छोड़ेगा कि मैं देख तो नहीं सकती जिस्मों और फिक्रों को, खुशबू की तरह महसूस तो कर सकती हूँ। मेरी नाक अपने तहफ़ की खातिर तुम्हारे सामने रगड़ रगड़ कर बेनिशान भी हो जाए तो भी तुम्हें ये खौफ नहीं छोड़ेगा कि मैं सूंघ तो नहीं सकती मगर कुछ बोल तो सकती हूँ। मेरे होंठ तुम्हारी मजाजियत के गुन गागा कर खुश्क और बेरू हो भी जाएं तो भी तुम्हें ये खौफ नहीं छोड़ेगा कि मैं बोल तो नहीं सकती मगर चल तो सकती हूँ। मेरे पैरों में जौजियत और शर्बो हवा की बिड़ियाँ डालकर मुझे मफलूज करके भी तुम्हें ये खौफ नहीं छोड़ेगा कि मैं चल तो नहीं सकती मगर सोच तो सकती हूँ। आज़ाद रहने, ज़िंदा रहने और मेरे सोचने का खौफ तुम्हें किन किन बलाओं में गिरफ्तार करेगा। मोमेल, मुझसे पहले मेरी माँ, मेरे ब्याह से पहले मेरी माँ ख्वाब में डर जाया करती थी। मेरे ब्याह से पहले मेरी माँ ख्वाब में डर जाया करती थी। उसकी खौफनाक चीखों से मेरी आँख खुल जाती थी। मैं उसे जगाती, माजरा पूछती और वो खाली आँखों घूरती हुई कहती थी, मुझे ख्वाब याद नहीं रहते। एक रात ख्वाब में डर कर उसने चीख नहीं मारी, खौफजदा होकर मुझे अपने साथ चिमटा लिया था। मेज ने माजरा पूछा तो उसने आंखें खोलकर शुक्राना अदा करते हुए कहा, मैंने ख्वाब में देखा था तुम डूब रही हो और मैंने तुम्हें बचाने को दरिया में छलांग लगाई है। और उस रात बिजली गिरने से हमारी भैंस और मेरा मंगेतर जल गए थे। एक रात माँ सो रही थी और मैं जाग रही थी। माँ बार बार मुट्ठी बंद करती और खोलती थी और यूँ लगता था जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश में थक कर मगर फिर हिम्मत बांधने की मुट्ठी बंद करती है। मैंने माँ को जगाया मगर माँ ने मुझे ख्वाब बताने से इनकार कर दिया। उस दिन से मेरी नींद उड़ गई, मैं दूसरे सहन में आ गई। अब मैं और मेरी माँ दोनों ख्वाब में चीखें मारते हैं और जब कोई पूछे तो कह देते हैं हमें ख्वाब याद नहीं रहते।
घास भी मुझ जैसी कहाँ गई। घास भी मुझ जैसी है, घास भी तो मुझ जैसी है, पांव तले बिछकर ही जिंदगी की मुराद पाती है, मगर ये भीग कर किस बात की गवाही बनती है, शर्मसारी की आँच की के जज्बे की हिद्दत की। घास भी तो मुझ जैसी है, ज़रा सर उठाने के काबिल हो तो काटने वाली मशीन इसे मखमल बनाने का सौदा लिए हमवार करती रहती है। औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो, न ज़मी की नमू की ख्वाहिश मरती है न औरत की। मेरी मानो तो वही पगडंडी बनाने का सवाल ठीक था, जो हौसलों की शिकस्तों का आँच न सह सकें वो पेबंदे ज़मीन होकर यूं ही जोरावरों के लिए रास्ता बनाते हैं, मगर वो परे कहाँ हैं, घास नहीं, घास तो मुझ जैसी। सब लोगों को याद तो हो गई। तालिबान से क़िबला रुख गुफ्तगू, वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा, करें जिक्र रब्बे करीम का, वो जो हुक्म देता है इल्म का, करें उसके हुक्म से मावरा ये बना दिया। ना किताब हो किसी हाथ में, नहीं उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने की जाना हो, ना हो रस्म इसमें जना कोई। वो जो बच्चियों से भी डर गए, करें शहर शहर बना दिया, कि हर एक कद्दे हयानुमा को नकाब दो, कि हर एक दिल के सवाल को ये जवाब दो, नहीं चाहिए कि ये बच्चियाँ उड़ें तायरों की तरह बुलंद, नहीं चाहिए कि ये बच्चियाँ कहीं मदरसों कहीं दफ्तरों का भी रुख करें। कोई शोला रू कोई बासिफा है, कोई तो सेने हरम ही उसका मकाम है, यही हुक्म है ये कलाम है। और आखिरी बंद है, वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो यही कहीं हैं करीब में, इन्हें देख लो इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद चेहरे जवाल में। रखो हौसला रखो ये यकीन, कि जो बच्चियों से भी डर गए वो हैं कितने छोटे वजूद में। और आखिर में एक नज़्म जो औरतों मर्दों दोनों के लिए। तुम स्वामी राम बने मेरे, तुम स्वामी राम बने मेरे, तुम मजनू कैस बने मेरे, कभी खेल लिया कभी छोड़ दिया, कभी पुचकारा कभी धुतकारा, कभी पहना मसला फेंक दिया, कभी पिछवाड़े में दाब दिया, कभी हाथ पे मेहंदी दिखलाकर मेरे चेहरे पे हल्दी मल दी, कभी बेगम नाम कहलवा कर मेरी जात खटोली गुम कर दी। तुम स्वामी मजनू याद करो, जब सहरा सहरा दौड़ाया मेरी एड़ी से चश्मे फूटे, जब ऐब लगाकर धुतकारा मेरी कोख पयंबर बंदम की, जब वैश्या कह के पलटे थे मेरा बिस्तर उम्र तुम्हारी थी। तुम स्वामी मजनू पल भर के दुनिया के तमाशे में तुमने मुझे जाए नमाज सी इज्जत दी, दुनिया के तराजू में तुमने मुझे हीरे मोती कीमत दी, इस खेल सराय से बाहर तुम रिश्तों की टकसालों में मुझे खोटा कह के अलग करो, तुम शहवत की दीवारों में मुझे इज्जत कह के दफन करो, मुझे चौखट थप्पड़ बिपता दो, मुझे मालिक दासी रचना दो, ये सजदा चौखट बहुत हुआ, ये आग तमाशा बहुत चला, ये कैस कबा बेरंग हुई, इस खेल सराय से निकलो, तुम मेरे जैसे इंसान हो, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। मेरे ख्याल से कुछ रह गए हमारे पास 15-20 मिनट हैं सवाल, तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल जवाब या फरमाइशें सब जी, फरमाइश भी चलेगी मेरे ख्याल से। माइक आप ले लीजिए प्लीज़। हाँ वो बिल्कुल एक ताज़ा नज़्म लिखी है इफ्तखार ने, जो एक आशोब की तरह से है, जो लखनऊ के निकलने के हवाले से है, मुख्तसर भी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, और वो सुनाने से शायद इसलिए गुरेजा हैं कि इनके आंसू टप टप ना निकल आए।
वो नज़्म सुना दो। अच्छा आ जाएंगी, गुनाहगार औरतें हैं, बैठी तो हैं इतनी सारी। वो बाद में हाँ ज़रा वो नज़्म सुना दो, इफ्तिखार से नज़्म सुन ले। इसमें वो नज़्म अभी पूरी नहीं हुई और उसके मैं ऐसे इंतज़ार भाई वो मीर साहब का एक मिसरा है उस पर मिसरे लगाए हुए थे। फहमीदा गमे सायो साहिबा तुमसे दूर, गमे सायो साहिबा तुमसे दूर, हर अंदेशे जिस्मो जां तुमसे दूर, हर वार शोबे वहमो गुमा तुमसे दूर। ये इस्लामाबाद है, ये बस्ती है और इसके ख्वाब और हैं, ये बस्ती है और इसके ख्वाब और हैं, यहाँ के अजाब व सवाब और हैं। ये बस्ती है और इसके ख्वाब और हैं, यहाँ के अजाब व सवाब और हैं। जुदा इसकी आग इसका पानी जुदा, जुदा इसकी आग इसका पानी जुदा, जुदा इसके किस्से कहानी जुदा, जुदा इसके किस्से कहानी जुदा। इंतज़ार साहब ने ये मिसरा लिखा हुआ था कि गया जबकि अपना ही जोड़ा निकल, कहाँ की रुबाई कहाँ की गज़ल चुनी, कहत साले दरंदर दमिश्क के यारा फरामोश कर दंद इश्क। ये बस्ती है और इसके ख्वाब और हैं, घड़ी भर में मंजर बदल जाएगा, घड़ी भर में मंजर बदल जाएगा, ज़माना कोई चाल चल जाएगा, ज़माना कोई चाल चल जाएगा, घड़ी भर में मंजर बदल जाएगा, कहानी का अंजाम होने को है, कहानी का अंजाम होने को है, मुसाफिर चलो शाम होने को है, कहानी का अंजाम होने को है, मुसाफिर चलो शाम होने को है, मताए हुनर फेर लेकर चलो, बहुत लखनऊ रह लिए घर चलो, मताए हुनर फेर लेकर चलो, बहुत लखनऊ रह लिए घर चलो। हुस्न इश्क अब हुस्न से कहता है कि हर सू मुझे देख, इश्क अब हुस्न से कहता है कि हर सू मुझे देख, मैं ज़माने पे नज़र रखूँ मगर तू मुझे देख। इश्क अब हुस्न से कहता है, इश्क अब हुस्न से कहता है कि हर सू मुझे देख, मैं ज़माने पे नज़र रखूँ मगर तू मुझे देख। मैं वो हूँ करते थे खूबाने जहाँ जिसका तवाफ, मैं वो हूँ करते थे खूबाने जहाँ जिसका तवाफ, गुले नगमा मुझे सुन मौजे खुशबू मुझे देख। मैं वो हूँ करते थे खूबाने जहाँ जिसका तवाफ, गुले नगमा मुझे सुन मौजे खुशबू मुझे देख। गुले नगमा कैसा वीरान हुआ हूँ तेरी हिजरत के सबब, कैसा वीरान हुआ हूँ तेरी हिजरत के सबब, है मेरी आँख से टपके हुए आंसू मुझे देख। और क्या खबर एक निगाह गर्म से जी उठूँ मैं, क्या खबर एक निगाह गर्म से जी उठूँ मैं, मेहरबान हो के भी मुझको मेरे कभी आहू मुझे देख। एक गज़ल इस के चार शेर आपकी जाए से वहशत का डर साहब, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता। उस आहुए रम खुरदो खुश चश्म की खातिर, उस आहुए रम खुरदो खुश चश्म की खातिर, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता। उस आहुए रम खुरदो खुश चश्म की खातिर, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता। एक आलम खूबी है मयसर मगर ए काश उस गुल का इलाका मेरी जागीर में होता, एक आलम खूबी है मयसर मगर ए काश उस गुल का इलाका मेरी जागीर में होता। महताब में एक चांद सी सूरत नज़र आती,
महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, नस्बत का शरफ सिलसिले मीर में होता। महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, नस्बत का शरफ सिलसिले मीर में होता। मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता, मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता। गालिब का चलन इश्क की तकसीर में होता, मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता। गालिब का चलन इश्क की तकसीर में होता। इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है, इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है। होता तो मेरे हरफे गिरागीर में होता। बड़ी मेहरबानी, बहुत उम्दा, बहुत। इसके बाद गुनाहगार औरतें आएंगी। मैंने शायरी से कहा, मैंने शायरी से कहा मेरी तुम्हारी दोस्ती अब ख़त्म, मैंने शायरी से कहा मेरी तुम्हारी दोस्ती अब ख़त्म, कि मैं अब दूसरे जज़ीरों की सिम सफ़र करना चाहती हूँ। मेरी तुम्हारी दोस्ती अब ख़त्म, कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभाते निभाते रज़ा रज़ा बिखर रही हूँ। कि मेरे तुम्हारे साथ सांस लेते लेते लग रहा है कि सूखे फूल की पत्तियों की तरह झड़ रही हूँ। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूँगी। तुम कहोगी हम कच्चे धागे में बंधे हुए नहीं हैं, हमने कच्ची उम्र में हर्फ की दहलीज पार की थी, हमने पहले जले हुए कागज़ के सुराख से दुनिया देखी, फिर जलती धूप में नंगे पैर रेत पर चले। अब जब शाम होने को है, ज़िंदगी की शाम, तुम दोस्ती कैसे ख़त्म कर सकती हो। मेरा नाम शायरी है और तुम मेरे नाम से पहचानी जाती हो, रास्ता मत बदलो, मैं हर रास्ते पे तुमसे मिलूँगी। और अब ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसलें बेचें, वो रोग सरफराज ठहरें। हैं, तुम्हें याद है? हाँ, ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें, वो जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबतें इम्तियाज़ ठहरें, उदावरे अहले सास ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं, सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से इशाराएं अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताकुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बहुत अच्छा हो गई ना, पढ़ दी मैंने, वो जो बच्चियों से भी डर गए वो पढ़ दी मैंने ना। अच्छा तो बस जी बताइए सवाल, कुछ कुछ इंटरेक्शन भी कीजिए। 5 मिनट्स हैं बताना। जी इफ्तिहार भाई, आपसे एक सवाल कि आप कहते हैं कि मालिक पे पूरा यकीन और उसकी मखलूक से डर लगता है, ये कैसा तजाद है? अल्लाह के दोस्तों को न गम होता है न खौफ। आपसे सवाल कि औरत, आपकी पेन जो आपकी पोइट्री थी लड़कियां माले गनीमत, उससे मुझे इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ मुझे अपनी जो लेबर ब्रीदिंग होती है लमास वो करनी पड़ी। लेकिन हम इतने अरसे से ये पेन ले रहे हैं, लेबर पेन, अब कोई फीटस मर गया है अंदर या कोई डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ बताएं। अब बिल्कुल लेबर रूम वाला किस्सा शुरू हो जाएगा कि वो नाना शुरू करो। उस पर वो एक लतीफ़ा है कि एक साहब कहने लगे अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे साथ हर लम्हे रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे हस्पताल ही में रहना पड़े। तो उसने कहा मुश्किल है। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं लेबर रूम में काम करती हूँ। <आगे। laughs>
مخلوق سے اس میں لمبا قصہ ہے اور مخلوق سے سب لوگ اپنے آپ کو ہم تو بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کے دوست تو اور لوگ بہت ہوتے ہیں، ہم تو ان کی مخلوق ہیں اور بندے ہیں ان کے، اور ہمارا ان سے تعلق اور ہے، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، ہم کو بھوک بھی لگتی ہے، ہم مختلف جذبات سے گزرتے ہیں، منزلوں سے گزرتے ہیں اور ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو بالکل سچی سچی باتیں ایسی کی ہیں شاعری میں، ابھی ہماری دوست اور 40 سال کی دوست، 45 سال کی یہ بیٹھی ہوئی ہیں شین فروخ، یہ مجھ سے ایک نظم سنانے کی فرمائش کر رہی تھیں، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی وغیرہ، اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کو سناؤں تو 70 برس کی عمر میں وہ نظم اچھی نہیں لگتی، اچھا مگر ہے وہ سچی بات ہے نا، دیار نور میں جب یہ نظم، ہم نے یہ پہلے شروع کے دنوں میں لکھی غزل، تو ہمارے جو سب شاعر دوست تھے جنہوں نے ہم کو پریشان کر کے دھکا دے کے شاعری کی طرف بھیجا تھا، وہ سب اس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں، میرے جو چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو، نہیں کہ وہ میڈم تمہیں فون کر رہی ہیں تم ان کا فون اٹھا نہیں رہے ہو تو تم ان کو فون کر لو، میں نے کہا 12:30 بجے رات کو میں کس کو فون کروں، تھوڑی دیر کے بعد میڈم کا فون آیا، کہنے لگی ابھی میں تمہارا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں تم اور کشور اور فراز تھے اور تم لوگ غالب پر باتیں کر رہے تھے، تو میں نے بچی سے کہا، حنا سے، غالب یہیں تھی کراچی میں، کہ میں نے حنا سے کہا کہ اگر میں غالب کے زمانے میں ہوتی تو غالب کے کپڑے دھوتی، اس کے برتن دھوتی، اس کے گھر میں جھاڑو دیتی، میں نے کہا میڈم آپ نے اس کے گھر پہ جھاڑو پھیر دینی تھی، آپ نے اس کے گھر